Sarfraz Khan cracked his mind-boggling quadruple century. 12-year-old kid from Mumbai on Wednesday broke the Harris Shield record for the highest individual score. साल 2009, महज 12 साल की उम्र में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। दो बार अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला और दोनों ही एडिशन में इंडिया के लिए टॉप स्कोरर में थे। साल 2015 में आईपीएल डेब्यू किया और उस वक्त यंगेस्ट प्लेयर टू फीचर इन आईपीएल बने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पिछले 3 साल उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया। करियर के 54 इनिंग्स में उन्होंने 3,505 रन बनाया है विथ एन एवरेज ऑफ 79.65, जो कि वर्ल्ड में सेकंड बेस्ट है, ओनली बिहाइंड द लेजेंडरी डॉन ब्रैडमैन। इन आंकड़े के बावजूद उनका इंडिया के टेस्ट टीम में सेलेक्शन नहीं हुआ। मुंबई, एक ऐसा शहर जिसे बेहतरीन बल्लेबाजों का खदान कहा जाता है। इस खदान ने हमारे देश को कई दिग्गज बल्लेबाज दिए हैं, तो ऐसे जगह से होने के बाद अपना नाम बनाने के लिए आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत होती है। सरफराज खान भी यहीं से आते हैं। उन्होंने शुरू से ही अपने परफॉर्मेंस से ये पक्का किया कि दुनिया उनका नाम कभी भूल ना पाए। सरफराज का बचपन आज़ाद मैदान में गुजरा। चूंकि पिता नौशाद खान खुद एक क्रिकेटिंग कोच थे, तो घर में क्रिकेट के अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था। जब पिता ने देखा कि सरफराज बॉल को कितने प्यारे तरीके से मिडिल कर रहे हैं, तब उन्होंने अपने बेटे को भी ट्रेनिंग देना शुरू किया। वो जानते थे कि मुंबई शहर में अपना नाम बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसी तरह उन्होंने अपने बेटे को तैयार किया। साल 2009 में सरफराज अपने स्कूल रिजवी स्प्रिंगफील्ड की तरफ से पहला मैच खेल रहे थे। हैरिस शील्ड इंटर स्कूल टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में ही उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंडियन एजुकेशन सोसाइटी कांदीवली के खिलाफ उन्होंने 421 बॉल में 439 रन जड़ दिया, जिसमें 56 चौके और 12 छक्के शामिल थे। ये वैसा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था जिसकी दरकार थी। न्यूज़ और टीवी में सरफराज खान का ही नाम था। सभी इस युवा क्रिकेटर की चर्चा कर रहे थे। इसके बाद उन्हें मुंबई अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया, लेकिन चढ़ाव के बाद उतार भी तो आता है। 2011 में एक स्कूल ने सरफराज पे ओवर एज का इल्ज़ाम लगाया। बोन टेस्ट में उनकी उम्र 15 साल निकल के आई। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। पिता ने दूसरा और एडवांस टेस्ट कराया, जिससे वही उम्र निकला जो MCA के पास रजिस्टर्ड था। MCA ने सरफराज को वापस से टीम में ले लिया, पर इस इंसिडेंट से उभरने में उन्हें काफ़ी दिन लग गए। मुंबई अंडर 19 के तरफ से लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद उन्हें 2014 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया अंडर 19 टीम में इंक्लूड कर लिया गया। 6 मैच में उन्होंने 211 रन बनाया विथ एन एवरेज ऑफ 70.33, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल था। 28 दिसंबर 2014 को बंगाल के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। IPL 2015 में RCB ने 50 लाख में सरफराज को टीम में ले लिया, और उस वक्त IPL में खेलने वाले वो यंगेस्ट प्लेयर बने। क्रिस गेल, विराट कोहली, AB डिविलियर्स से जड़ी RCB की बैटिंग लाइनअप में अपना छाप छोड़ पाना उतनी ही बड़ी चुनौती थी जितनी बड़ी मुंबई क्रिकेट में अपना नाम बनाना। पर सरफराज ने हमेशा मिले मौके का पूरा फायदा उठाया। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने 214 के स्ट्राइक रेट से 45 रन बना के टीम का स्कोर 200 तक पहुंचाया। कप्तान विराट कोहली का 17 साल के इस नौजवान को ये जेस्चर बहुत कुछ बयां करती है। इन सब के बावजूद डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक बार फिर सरफराज का टीम में सेलेक्शन हुआ, और इस बार वो टूर्नामेंट के सेकेंड हाइस्ट स्कोरर थे। 6 मैच में उन्होंने 355 रन बनाया विथ एन एवरेज ऑफ 71, जिसमें उन्होंने 5 अर्धशतक भी जड़ा। डोमेस्टिक टीम में कम मिलती अपॉर्चुनिटी की वजह से पिता नौशाद खान ने सरफराज को उत्तर प्रदेश की तरफ से खिलाने का निश्चय किया। अपने क्रिकेटिंग करियर में इतना आगे आ चुके सरफराज को फिर से सब कुछ शुरू से करना था। उन्होंने लंबी लंबी लाइनों में लग के 400 क्रिकेटर्स के साथ ट्रायल्स में हिस्सा लिया, बैज ऑफ प्लेयर नंबर 315। उत्तर प्रदेश रणजी टीम में उनको मौका मिला, पर जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद लेकर सरफराज वहां गए थे, वो परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं हो पा रहा था। 2019-20 रणजी सीजन में वो वापस मुंबई आए, और 19 जनवरी 2020 को अपने पुराने टीम उत्तर प्रदेश के ही खिलाफ उन्होंने फर्स्ट क्लास में अपना मेडन ट्रिपल सेंचुरी जड़ दिया। 391 बॉल में नाबाद 301 रन्स। इस और इसी तरह के परफॉर्मेंस से सरफराज की क्रीज पे मैच्योरिटी दिखती है, जिस तरह की मैच्योरिटी एक टेस्ट क्रिकेटर में चाहिए होता है।
छोटी पारी को बुन के बड़ा स्कोर खड़ा करना। 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब जहां से भी मैच का खबर आता पिता सरफराज को दूसरे शहर मैच खिलाने ले जाते थे और यूपी के अपने घर पे बैटिंग ड्रिल्स करवाते थे। पिता ने यह पक्का किया कि लॉकडाउन की वजह से उनके प्रैक्टिस पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और जब सब कुछ नॉर्मल हो तब सरफराज वापस से कम्पीट करने के लिए तैयार रहें। जनवरी 2020 से मुंबई वापस आने के बाद अपने 14 इनिंग्स में उन्होंने 1564 रन बनाया है विथ एन एवरेज ऑफ 142.18। पूरे करियर में 13 शतक, 3 दोहरा और 1 तिहरा शतक। ऐसी ही फेनोमिनल कंसिस्टेंसी इंडिया ए के तरफ से खेलते हुए इंटरनेशनल बॉलिंग लाइनअप से भरी साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ भी देखने को मिला। रणजी ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल्स में मध्य प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 134 रन बना के टीम को 374 जैसे मजबूत टोटल तक पहुंचाया। इन परफॉर्मेंस के बावजूद सरफराज का नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडियन टेस्ट टीम के 17 प्लेयर्स की लिस्ट में नहीं है। एक प्लेयर को इंडियन टीम में जगह बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? डोमेस्टिक सर्किट्स में बे इंतहा रन मारने होते हैं और वो भी बड़े बड़े, और अपना फिटनेस लेवल मेंटेन रखना पड़ता है। रन्स की तो बात छोड़ ही दें, क्योंकि फर्स्ट क्लास में सरफराज का बैटिंग एवरेज 80 का है, सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड बिहाइंड लेजेंडरी डॉन ब्रैडमैन। और अगर वजह उनका वेट या फिटनेस लेवल है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बड़े इनिंग्स खेलने के बाद वो फील्डिंग करने नहीं आए हो। वो फील्ड पे भी आते हैं और पूरे इंटेंसिटी के साथ फील्डिंग भी करते हैं। सरफराज अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब भी वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं तब हमेशा अब्बू उनके पास उनका हाथ थामे रहते हैं। अगर अब्बू नहीं होते तो वो कब का हार चुके होते। कुछ लोगों का कहना है कि सरफराज के लिए टीम में जगह कहाँ है, तो भाई अगर T20 के परफॉर्मेंस को देखते हुए सूर्य कुमार यादव को टीम में जगह मिल सकता है तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मेंस को देख के सरफराज को एक चांस तो मिल ही सकता है। यहाँ पर हम यह नहीं कह रहे हैं कि सूर्या को खिलाना गलत है, इसमें कोई शक नहीं कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, पर सरफराज को एक चांस तो मिलना चाहिए। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए टीम सिलेक्शन के न्यूज़ के बाद 18 जनवरी 2023 को सरफराज ने दिल्ली के खिलाफ रणजी मैच में एक और शतक जड़ दिया। शतक के सेलिब्रेशन में उनकी आंखें नम हो गई। उन्हें उस वक्त अपने अब्बू की हुई सारी मेहनत याद आ गई, कैसे उन्होंने अपने बेटे के करियर के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। इन रिजल्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के बावजूद उन्हें इंडियन टीम में मौका नहीं मिला। खैर, अभी सिर्फ 2 ही टेस्ट मैचेस के लिए टीम सेलेक्ट हुआ है। हम उम्मीद करते हैं बाकी 2 मैचेस के लिए जब टीम सेलेक्ट हो तब सरफराज खान का नाम उस टीम में हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।